बोलने वाला था अभी ये। हाँ कटेगा मत करो। अपनी कारस्तानी अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत हो गए, बढ़िया हो गए, मज़े में होंगे। और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे। ये देखिए, ये हमारी सास जो है वो रोटी बेल रही है, और मेरी सास की जो बेटी है वो रोटी बन सेक रही है। हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुशहाल आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुशहाल आबाद ही रखे, अपनी जुमान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरी किसी भी भाई बहन की तरफ नहीं आई। चले फिर आज का ब्लॉग का आगाज करते हैं। और आज है मंडे, रोज खाए अंडे, मंडे ये नम्मी मंडे। तो आज मंडे है, आज का ब्लॉग का आगाज करते हैं। सुबह की नाश्ते की रोटियां बन रही है, और आज मेरे पार्टनर है मेरे अम्मी। आज अम्मी बेल के दे रहे और मैं बना रही हूँ। रोटी बनेगी और चाय रोटी खाएंगे, नाश्ता करेंगे। दोपहर का खाने का बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है, अभी देखते क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सब खैरियत से हो गए? हम भी खैरियत से है। अभी हमारे नाश्ते की रोटी बन रही है, नाश्ता करेंगे, उसके बाद आप लोग से फिर मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, लग गई माँ को बेटी की छाप। देखिए हमारे साथ रह के अच्छे अच्छे सीख जाते, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं सीखते। मैं बोलने वाला था अभी ये, मगर तुमने मेरे मुंह की बात। मैं सबको सिखा सकती हूँ, लेकिन मेरे मियाँ को नहीं सिखा सकती। अच्छा, ये तो है। चले नाश्ता कर लेते, फिर मिलते हैं आपको। ए पीला क्या करने का है? बारीक मत डाल भैया, गोश वाला डालने दे उसको, मोटा वाला जाड़ा हो गया। 2 किलो तसिच। हाँ तो अल्लाह, क्या हुआ इतना से 2 किलो? गुड़म बनावे ना? हाँ गुड़म भाई के लिए करो। गुटली भी कट गई, अम्मी गुटली भी कट गई, वो निकालेंगे। अरे वाह, छिलके के साथ बनेगा तो कैसा रहेगा? और अच्छा रहेगा। हाँ छिलके के साथ ही बनाएंगे। काट रहा है तो नहीं, मुँह में पानी आ रहा है। हाँ काट रहा है तो मुँह में पानी आ रहा, मुँह में पानी आ रहा, कटने पे मुँह में पानी आ रहा। बढ़िया चुपाती थी नहीं नानी? ये देखो अम्मी, ये देखो इनको देखो, ये तो देखो हाथ कटेगा मत करो, तेज है वो, औंधे काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। चलो आज कैरी बनी, लाओ रख दो रख दो रख दो। ये 2 किलो मीनू, चल ले लो जी। हाँ हम लोग भी राई का तेल डालते, हम लोग का राय का तेल भी खाते। हाँ अचार की रेसिपी से हो रही है, अचार की रेसिपी दवा ले रहे हो, झार की दवा। हेलो जी, मेरे को खाली पैसा देने के लिए बिठाए ले, अंदर जा के ला रही हूँ मैं पैसा। और क्या लेने का बोलो? तो निकलते रहेंगे ना, चमेली का रात की रानी। मोगरा तो उड़ गया हम लोग का, मोगरा उड़ गया, लंबा हो गया था वो तो, खराब हो गया नीचे से, ऊपर की पत्ती झड़ गई। हाँ खुशबू आती उसमें, सीजन नहीं है, 12 महीने 12 महीने रहता वो। अच्छा कितना पड़ रहा है इसका? वो देने वाला क्या? अरे नहीं इसमें डलवाओ ना, ये डब्बे में बोल रही है, ये प्लास्टिक के डब्बे में। अरे तो अच्छा था ना। नहीं नहीं वो प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डलवाने का, पूरा खराब नहीं करने का, शो खराब कर देते। यहाँ पे भी प्लास्टिक का डब्बा लगाया, ये भी बदली कराऊंगी मैं बाद में। अच्छा
हाँ वो करा देना बदली, वो भाई करेंगे उनको ही आएगा। 30 रुपए का कौन मुंह देखेगा, वो डब्बे बना के नोक बना के फिर लगा चमेली का जान। ऐसी सब आएगा सेम फूल, ये सूख गया क्या, ये ये पत्ता पत्ता क्या, ये वाला पत्ता चढ़ जाएगा ना, ये और निकल जाएगा। हाँ एक माशाल्लाह, हाँ ना मैं ऐसे खिलता हुआ सो जगह, हाँ उधर जगह बनाना पड़ेगा इसको। लो ये दो, ये दो, ये बहुत तलमलते थे झाड़ा के, झाड़ बहुत पसंद है हम लोग को भी, अभी क्या जगह मिल रही तो लगा रहे, अब शो नहीं आता, देखो भी नहीं अच्छा लगता, बताओ हाँ अब अच्छा लग रहा ना। हेलो हेलो, और कितना देने का, 120 150 रुपया। अम्मी के कपड़े देखो, अम्मी ने धो लिए खुद ही, सूखने भी डाल दिए, दवाया डाल रहे 4 दवाया, वॉशिंग मशीन लगाए के ऊपर, हाँ आवाज़ आ रही लग रहा है मेरे को, नुमेर है ऊपर उठेला है अभी, ये 2 दिन में ना पानी डालने का नहीं, नया झाड़ है ना, 2 दिन पानी नहीं डालने का, दवा डालने के बाद में 2 दिन पानी नहीं डालने का। अच्छा बड़े बड़े कटा के लिए ना गल जाते ना, गल जाते ना, तो फैलने को जगह होएंगी क्या इतने से डब्बे में, इसलिए बोली थी बड़ा डब्बा चाहिए था। मट्टी भरो थोड़ा, मट्टी भरो, दवा मारो, एक और लिए बैठे बैठे झाड़े ले रहे अम्मी, ये अच्छे हैं, खुशबू आ रही अम्मी, खाद डाले उन्होंने, हाँ डाला ने ठीक, थोड़ा सा घमेला छोटा लग रहा मेरे को भी, नहीं भाई कड़ी पत्ता है हम लोग के पास, कड़ी पत्ता है क्या है? क्या कर रहे हो, ये क्या है? ये अम्मी ने भी एक बैठे बैठे किए दो छोटा पैसा है तो दो, नहीं तो 500 रुपए है वो दे दो, 120 रुपए है भी दे दो, मैंने नहीं अम्मी ने बैठ के किए कारस्तानी। तुम्हारे घर की शुरू रौनक बढ़ रही ना, खुद तो बैठ गए थे वहाँ पे, मोगरा चाहिए था ना तुमको, देखो तुम्हारे को सरप्राइज, कश्मीर मोगरा भी देख पिए गुलाब, अरे मगर मोगरे का झाड़ था ना, ये लंबा मोगरा है, जो ये अलग है फैलने वाला है, ये एकदम मस्त है, ऊपर नहीं जाने वाला, एवरे का है, एवरे का है, देखिए अच्छा क्या रखने का, जूना जूना रखना इसको, अभी तुम जगह बना, जगह बना इधर आ जा, इधर कोने में जगह, कोने में कर उसको, वो देखो भाभी ने किधर रखी, देखो उन्होंने रखो डब्बे में रखे, डब्बे में रखो, जगह नहीं है तो भी कहाँ रखी, देखो जगह नहीं है तो डब्बे में रखे, पौधा देखो, फिर मेरी मीनू क्या, और इसका नीचे का पेंदा छोटा है ना, तुम कर रहे अपनी कारस्तानी, हम लोग जा रहे खाना बनाने का, पर्दा हटा दो, गिरना नहीं चाहिए ना इसके लिए बांध रहे, हाँ उनके पास होंगे चिंदी भाभी के। अच्छा जी चले, आपके फैयाज भजन बाहर लगे पड़े हैं अपने पौधों के साथ में, खुश है वो, यहाँ पे जो है ना हम लोग कैरी का गुड़म्बा बना रहे, गुड़म्बा तो यहाँ जो ना मैंने मिक्सर चालू करी ना, तो मीनू बहुत जोर से भागी थी डर के मारे, क्योंकि आप लोग को मालूम है उसको ना आवाज़ों से डर लगता है। यहाँ पे सारे मसाले वगैरह मैंने पीस के दिए अम्मी ने अपने हिसाब से, क्वांटिटी जो वगैरह ना अम्मी ने बताया मुझे, तो चलो उस हिसाब से मसाला भी पीसे गया। यहाँ पे जो है ना कैरी हम लोग ने मसाले के साथ में गलने रख दिए, और कैरी का ना इस बार हम लोग ने छिलका नहीं निकाले, वैसे तो अम्मी हमेशा निकालते बट इस बार जो वो भैया जी जिन्होंने कैरी दिए ना, वो भैया जी ने अम्मी को आइडिया देखे गए कि बिना मतलब छिलका मत निकालो, ऐसी बना दो, तो अम्मी ने बोले कि चलो इस बार ऐसी ट्राई कर लेते। चलिए वहाँ पे गलने रख दिए कैरी, और यहाँ पे मैं फटाफट से जो ना कोफ्ते का मसाला तैयार कर लिया मैंने, और बस कोफ्ते तैयार हो रहे थे फटाफट से कि आज बनेंगे घर में कोफ्ते भी, और ये गुड़म्बा तो हम लोग ने ऐसी मतलब बस चाकने के लिए, आप लोग समझ रहे ना, बना के उसको स्टोर करके रख दूँगी, आराम से खाएंगे, गर्मी का मौसम है तो गुड़म्बा तो बनना ही चाहिए, सबके घर में बनता होगा, आई होप सो के बहुत से घरों में गुड़म्बा तो बनता ही होगा, या फिर कैरी का अचार। चले यहाँ पे बस कोफ्ते तैयार हो रहे हैं, माही अपना नाश्ता कर ली, मैडम जो है ना उठ के आई है, और उसको मैंने दे दिया नाश्ता करने के लिए, तो वो वहाँ पे नाश्ता करते बैठी थी, और कोफ्ते चले तैयार हो गए, इसको मैं रख देती हूँ गैस के ऊपर पकने के लिए, और ये देखिए गुड़म्बा मेरा अच्छे से मतलब हम लोग का अम्मी ने जो बनाया मैंने नहीं बनाई तैयार हो चुका है, गल चुका है, थोड़ा से 19-20 लग रहा था बट ठीक है चलो चलेगा। यहाँ पे जो है ना मैंने कल के चावल थे वो फ्राई कर दिया आपके फैयाज भजन को, दाल दल के दे दिया ताकि वो गाड़ी पे निकलेंगे, अभी खाना बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने बोला इनको दाल चावल करके रखे हैं,
तो दाल चावल तुम खा लो और तुम गाड़ी पे निकलो। तो वो उन्होंने खा लिया अपना। यहाँ पे गुड़म्बे के ऊपर जो ना तड़का, ये तो आपको पता ही है कि तड़के के बिना तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो चले तड़का भी लग गया। थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी मतलब पतली लग रही थी, तो लेकिन ये कहना ठंडी हो जाएगी ना तो ये हो जाएगी आराम से, गाढ़ी हो जाएगी। तो अम्मी ने बोला कि इसको ठंडी होने रख दें तो ये बराबर से हो जाएगी। चले इसको मैंने बंद करके रख दिया। आपके फैयाज भाई निकले गाड़ी पे, बोले चलो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अपना काम कंटिन्यू करो। यहाँ पे मेरे कोफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए। और माशाल्लाह आप लोग को पता है कोफ्ते तो नुमैर के फेवरेट है, बट हम लोग भी खाते हैं ऐसा नहीं है, बट नुमैर के कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, घर में सबसे ज़्यादा नुमैर को ही पसंद है। सिलेंडर चला गया यार, ये हो गया था सबसे बड़ा ना, क्या ही मैं बोलूँ कि चलो अम्मी थे तो मतलब ऐसा हो गया था ना, सुकून था क्योंकि मेरी अम्मी को सिलेंडर चेंज करने आता है, और अगर अम्मी नहीं होते ना तो जब सिलेंडर चला जाता है ना, चला जाता मतलब ख़त्म हो जाता है, कहीं जाता नहीं है, ख़त्म हो जाता है ना, तो बड़ा ना टेंशन हो जाता है मुझे। बट अम्मी थे ना तो एक राहत हो गई कि चलो अम्मी बोले क्यों टेंशन ले रही है, बोले निकाल, तो फिर मेरे को एकदम से याद है हाँ अम्मी है ना, चेंज कर दिया। और बस अम्मी ने सिलेंडर चेंज कर दिया, खाना मैंने फिर से मतलब बनाना शुरू कर दिया, वरना फिर अच्छी खासी गैप हो जाता था। अच्छा कल की वीडियो में आप लोग ने बहुत से लोगों ने मेरे जितनी भी YouTube फैमिली है ना सबका मैं बोलूँगी दिल से शुक्रिया, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए आप लोग ने, मैंने सबका कमेंट्स पढ़ी हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मेरी अम्मी के लिए दुआ किए, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैंने अम्मी को भी बोला, अम्मी भी बहुत खुश हो गए, अम्मी ने आप सबके लिए भी दुआ किया, आपके अम्मी अब्बा के लिए भी दुआ दिया है, और साथ में जो हयात है उनके लिए भी दुआ दिया, और जो महरूम है उनके लिए भी दुआ किया कि जितने भी महरूम है, जाहिर सी बात है आप किसी के माँ बाप को देखते हो तो जो महरूम हो चुके हैं ना उनके, उन्हें अपने माँ बाप का बिल्कुल, उनके माँ बाप की याद आती है, बिल्कुल आती है। तो आप जब भी, जैसे मेरे अभी अब्बा हयात नहीं है, तो मैं भी किसी के वालिद को जब देखती हूँ तो बिल्कुल मुझे भी मेरे अब्बा की बहुत याद आती है, तो मैं उनकी तकलीफ़ों को, उनके दर्द को मतलब बिल्कुल समझती हूँ मैं, कि जाहिर सी बात है आपको भी दुख तकलीफ़ हुआ होगा कि काश आपकी अम्मी भी आपके साथ होती, या फिर आपकी वो मेमोरीज़ भी जो होती है ना कि जैसा मेरी अम्मी आए हैं, खाना लेकर आए, हम लोग ने मिलके खाए, एंजॉय किए, तो वो सबकी मेमोरीज़ जो है ना आप लोगों की, वो मतलब एकदम से सामने आ गई, तो आप लोग ने वो भी शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा। देखिए माँ बाप तो कोई भूलने वाली हस्ती होती ही नहीं है, माँ बाप को हम कभी भूल ही नहीं सकते, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप माँ बाप को कभी नहीं भूल सकते, भले वो आपके साथ रहते हो या वो महरूम हो या फिर आपसे दूर रहते हो, बट माँ बाप को हम कभी नहीं भूल सकते। तो अल्लाह सब जितने भी माँ बाप है, अल्लाह उनका साया ना बस अपने औलादों पे हमेशा सलामत रखे, मैं भी दुआ यही करती हूँ। और जो महरूम है अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, और जिनके माँ बाप बीमार है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, मैं सबके लिए दुआ करूँगी। बाकी चले यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं, मेरा गुड़म्बा तैयार हो गया, खाना तैयार हो गया, बस निकाल ही रही थी कि ये बच्चे आ जाए। कोफ्ते भी तैयार कर दिया मैंने, चौली की भाजी भी, और अम्मी ने फटाफट से कटिंग करके दी, और इतने सारा एक साथ में बना है ना तो सिर्फ और अम्मी की वजह से, मैंने बोला ना कि आपके साथ में अगर कोई हाथ मतलब एक देने वाला हो ना तो फटाफट से खाना बन जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो अम्मी थे तो फटाफट से मुझे अम्मी ने चॉपिंग वगैरह जितना भी था ना अम्मी ने कट करके दिए, बाकी कुकिंग मैंने की, चॉपिंग अम्मी ने की। चले बच्चों को भी बुला लिया मैंने खाना खाने के लिए, चले बच्चे भी आ जाए खाना खाने के लिए। सबका फेवरेट हो गया माही का गुड़म्बा, आपके फैयाज भाईजान को और माही को गुड़म्बा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा इतना है कि वो गुड़म्बा कभी कभी वो ना निकाल के मतलब चोरी करके भी खा लेंगे, चुपके से भी निकाल के खा लेंगे, क्योंकि इतना पसंद है उन लोग को। तो माही तो बड़ा खुश हो गई गुड़म्बा देख के कि अम्मी सबसे फेवरेट मेरा गुड़म्बा बन गया, और उमेर का फेवरेट हो गया कोफ्ते। तो चले देखे दाल चावल कोफ्ते और चौली की भाजी अम्मी को पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी उनको चौली की भाजी। ये क्या है? फूल चमेली के। चमेली का फूल गिरा नीचे? हाँ। मीनू को नहीं, गिर जाता, एक गिर जाता। अल्लाह कितनी खुशबू आ रही है, जबरदस्त एकदम, स्मेल कर, है ना? मम्मी देखो सो के उठी है। अब हम खुशबू सुने का? इसको कहाँ सुंगा रही है? नको 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 नको, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह नीचे गिरा फूल के, फिर क्यों तोड़े तुम लोगों ने? अम्मी क्या करने का, फूल बनाने का क्या? गजरा बनाने का, माशाल्लाह। देखो सुबह ही लिए, बता ये फिर रहा। मामा मैं इसको ना एक साथ जोड़ देती हूँ। इतने सारे निकले? देखेंगे देखेंगे। खराब कर दी तू मोबाइल? नो नो कर मत, गेम पहले खेल लूंगी ना फिर हो जाएगा। चंबू है, चमेली, चमेली रात की रानी, रात की रानी। अल्लाह छोटा छोटा से बन रहा है। नानी हाथा बनाना।
अम्मी को आता फूल बनाने, मेरे को नहीं जमता, छोटे छोटे ना तू लगा रही। अल्लाह गजरा तू लगा ले, कैसे जा। ओए मीना नहीं, अल्लाह घूम, अच्छा लग रहा है, घूम तो पीछे अच्छा लग रहा है, घूम, खुशबू तो आ रही है मस्त वे, अल्लाह अच्छा तो लग रहा है, लगा ले एक घंटे के लिए सूख जाएगा, पिक ले लूं, अच्छी लग रही है। क्या लगी पप्पू आ गए, फ्रिज में डाल, आ जाओ फ्रिज में डाल दे पप्पा, आंदे नानी के बर्तन धो के होंगे, कहाँ है पप्पा तेरे, तेरे गजरा बता माही सूख गया, हमने वसूली कर ली उन्हें पहन के। चलो बस अभी जा रहे हम लोग सोने के लिए, और अभी अम्मी दवा खा रहे हैं लास्ट, फिर बिस्तर लगा देंगे। अब के फैयाज भजन आ गए गाड़ी पे, निकाल दी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहु, कितना लेट हो गया फज्जू, एक बज गए यार, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे हम लोग, बिस्तर भी नहीं लगाए देखो अभी तक के। चले आपके फैयाज भाजन ने आइसक्रीम पार्टी दे दी आने के साथ ही में, हाँ फज्जू क्या बोलते चले बस ये था आज का ब्लॉग, सेकंड डे आज थोड़ा बहुत मेहनत कर ली अम्मी, ज्यादा काम हो गया। चलो गाइस तो ये चले बस ये ब्लॉग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सा प्यार दीजिए, जब तक के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम, जब तक के लिए बाय। अम्मी अम्मी बोलो जरा, तुम ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दो, जरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दो, हाँ सब्सक्राइब भी कर दो, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक नहीं कर दो अम्मी, हम लोग हमेशा याद रखो, हाँ हम लोग हमेशा याद रखना, दुआ करना हमारे लिए और अम्मी तो आपके लिए दुआ करना, और कल के ब्लॉग का वेट करना, ठीक है, अपना लगे बहुत सारा ख्याल, दुआ में हम सबको याद रखना, अल्लाह हाफिज़।